देन इनशाला आई विल क्रिएट अ न्यू वीडियो अबाउट इट तो फिर आप इसके बारे में सीख सकते हैं कि इस, इस तरह हम कैसे अपने पेपर में लिख सकते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर कर सकते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन के मुताबिक पहले हमने इस रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है फिर हमने इसको इंडिकेट करना है कि ये टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसीमल है अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में डिफ्रेंस ये है कि टर्मिनेटिंग में वैल्यूज इंफिनिटी नहीं होती और नॉन टर्मिनेटिंग में वैल्यूज इंफिनिटी होती हैं ठीक है जैसे जैसे हम इसको सॉल्व करते रहेंगे आपको फर्दर आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होता रहेगा लेट्स स्टार्ट ओवर क्वेश्चन कि ये फ्रैक्शन फॉर्म में ऊपर न्यूमिनेटर है और नीचे डिनोमिनेटर है इसको पहले हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इस तरीके से यहीं से हमारा आंसर स्टार्ट हो रहा है ये मैथ का रूल है कि हमेशा न्यूमिनेटर हम को ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और डिनोमिनेटर को बाहर ठीक है अब इसमें देखें कि न्यूमिनेटर जो है इसमें डिनोमिनेटर से स्मॉलर है जिसका मतलब है इसको डिनोमिनेटर से बड़ी वैल्यू बनाने के लिए हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे जिसकी वजह से पॉइंट की वजह से यहाँ पर आएगा जीरो ओके देन अब इस पर चेक करिए कि फाइव में थर्टी आता है फाइव के टेबल पर थर्टी आता है किस पे सिक्स पे फाइव सिक्स थर्टी एंड जीरो जब हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा जीरो आई होप कि आपको डिवाइड करना आता होगा यही हमारा आंसर है अब इसमें चेक करें जीरो पॉइंट सिक्स जो है ये हमने इसको देखते हुए हमने इसको टर्मिनेटिंग बताना है और या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बताना है इसमें आ रहा है जीरो पॉइंट सिक्स विच मीन्स दिस इज टर्मिनेटिंग ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ये इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर वन का चलिए इसको स्टार्ट करते हैं सेम एज इट इज न्यूमिनेटर को ब्रैकेट के अंदर और डिनोमिनेटर को ब्रैकेट के बाहर अब इसमें चेक करें कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से स्मॉलर है देन हम पॉइंट लगाएंगे और साथ जिसकी वजह से जीरो आ जाएगा अब इसमें चेक करें सेवन जो है अब ट्वेंटी से स्मॉलर हो गया है अब सेवन के टेबल में तो ट्वेंटी आता नहीं है जिसके जिसका मतलब है हम ट्वेंटी के नियरेस्ट वैल्यू इसमें लिखेंगे सेवन के टेबल में ट्वेंटी के पास पास कौन सी वैल्यू आती है अब हम टेबल पर टेबल में चेक करेंगे कि सेवन के टेबल में ट्वेंटी के पास कौन सी वैल्यू आती है सेवन टू द फोर्टीन टेबल में चेक करेंगे इसमें आता है सेवन टू द फोर्टीन क्योंकि सेवन थ्री द टी वन होता है हमने इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू रखनी है ट्वेंटी सेवन सेवन टू द फोर्टीन माइनस करेंगे तो आएगा आंसर सिक्स ठीक है अब इसमें चेक करेंगे सिक्स भी सेवन से छोटा है जिसकी वजह से हम यहाँ पे अपनी तरफ से जीरो लगाएंगे अब देखिये मैथ का ये रूल है इसमें डिवाइड में कि एक दफ़ा पॉइंट लगाने के बाद हम अपनी तरफ से ज़ीरो लगा सकते हैं जब हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू आए ठीक है अब सेवन के लेवल में सिक्सटी आता नहीं है तो हम सिक्सटी के नियरेस्ट वैल्यू लिखेंगे सेवन के टेबल में सिक्सटी के नियरेस्ट वैल्यू होती है सेवन एट द फिफ्टी सिक्स अब इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा फोर ठीक है अब इसमें चेक करें कि हम फोर आगे जो कि सेवन से स्मॉलेस्ट है इसमें हम अपनी तरफ से हम लगाएंगे जीरो सेवन के टेबल में फोर्टी आता है थर्टी फाइव क्योंकि सेवन सिक्स तक क्या होता है फोर्टी टू तो अब इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा अब फाइव ठीक है अब ये मैथ का रूल है कि हम हमेशा पॉइंट के बाद दो या तीन वैल्यू ही लिखते होते हैं ठीक है अगर हम ज्यादा एक्सटेंड कर देंगे तो ये वायलेशन होगी मैथ के रूल्स की ठीक है अब इसमें हमने बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है अब ये इंफिनिटी जा रहा है तो क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट टू एट फाइव यह आपकी मर्जी है आप इसके स्टार्ट में जीरो लगाएं या ना लगाएं आपकी मर्जी है ठीक है अब इसमें ये इन्फिनिटी जा, जा रहा है जिसका मतलब ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग ओके वही टर को ब्रैकेट में और डिनोमिनेटर को आउट ऑफ ब्रैकेट अब इसमें देखें कि थ्री जो है वो एट से स्मॉलर है जिसकी वजह से हम ऊपर पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर जीरो आ जाएगा अब देखें कि एट के लेवल में थर्टी के नियरेस्ट वैल्यू क्या आती है ये यह देखें यहाँ पर मैं रफर कर लेता हूँ अगर आपको ना आ रहा हो ना आ रहा हो तो आप इसको मल्टीप्लीकेशन के लिए कर लें ठीक है एट मल्टीप्लाई बाई टू सिक्सटीन ऐट मल्टीप्लाई बाई थ्री ट्वेंटी फोर एट मल्टीप्लाई बाई फोर थर्टी टू जिसकी वजह से हम इसको फॉलो करेंगे सॉरी थ्री को 24 माइनस थर्टी माइनस ट्वेंटी फोर सिक्स ठीक है अब हम दोबारा से यहाँ पर ज़ीरो लगाएंगे एट के टेबल में सिक्सटी वैल्यू कहाँ पे आती है एट सेवन द फिफ्टी सिक्स क्योंकि एट एट दिक्सटी फोर होता है माइनस सिक्सटी माइनस फिफ्टी सिक्स फोर ठीक है अब दोबारा से ज़ीरो लगाएंगे एट के टेबल में फोर्टी कहाँ पे आता है लेट्स मल्टीप्लाई अगर आपने इसको पता चलाना है कि फोर्टी के नियरेस्ट वैल्यू कहाँ पे आता है आपने इसको मल्टीप्लाई करना है एट को पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम फाइव से ये देखें एट फाइव था फोर्टी जिसका मतलब है कि ये यहाँ पर स्टॉप होता है फोर्टी माइनस करेंगे तो आंसर कर आएगा जीरो अब इसमें चेक करें कि हमारे पास जो वैल्यू आई है जो कि है जीरो पॉइंट थ्री सेवन फाइव अब ये देखें कि यहां पर आके ये स्टॉप होगी मतलब कि इन्फिनिटी नहीं है ये है इन आ, ये है फिनाइट अब मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यू फिनाइट होगी वो टर्मिनेटिंग होगी ठीक है यहां पे मैं तो ये रेड पेन से, से लिख रहा हूं ना अपने पेन से लिखने के बाद इसको मार्कर से अपनी हेडिंग देनी है ठीक है ऐसे मैं आपको मार्कर से लिख दे देता हूं इस तरीके से ठीक है तो ये थे क्वेश्चन नंबर वन के सारे पार्ट्स जो मैंने आपको करवाए हैं इसमें बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स है आई होप कि आपको उनकी समझ भी आ गई होगी और आप वो ख़ुद कर कर सकेंगे ठीक है अगर आपको कोई इनमें डिफ़िकल्टी है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं मैं आपको उनमें ज़रूर गाइड कर दूँगा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करिएगा ताकि जो भी वीडियो आए क्लास एट के मुतल वो डायरेक्ट आप तक पहुँच जाए ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़